पंडितों ने ये पेशगोई की है कि मोदी दोबारा वज़ीर-ए-आज़म बनते ही पहला दौरा पाकिस्तान का करेंगे, क्या आप समझते ऐसा होगा? याद रखना, तारीख साज शख्सियत हो सकती है सदी की, मोदी जैसे नेल्सन मंडेला टाइप अगर वो बंदा करे, चूंकि दुनिया की सबसे बड़ी जमहूरियत का वो चेहरा है। इनको चक्कर आ रहे हैं उनकी 8.4% ग्रोथ देखते हैं, वो दे आर नॉन कंट्रोलेबल रिगार्डलेस जो कुछ मर्जी करे। आपका क्या ख्याल है भारत ने जो ईरान के साथ डील की थी वो आंखों से अंधे से जाके जो करके इलेक्शन के दौरान उनका मिनिस्टर गया जिसने हसन निसार साहब से जब एक प्रोग्राम में उनके ही प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि भाई सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में इलेक्शन होने के बाद नरेंद्र मोदी जीतते हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पहला विजिट पाकिस्तान का करेंगे, तो वो कंट्रोल नहीं कर सके, इंडिया पे सैंक्शन लगाएंगे। मैंने आपको बताया था चीफ मसा, वॉशिंगटन डीसी इज रन बाय द इंडियन टेक्नोक्रेट्स। सर एक IMF की रिपोर्ट सामने आई, उस रिपोर्ट में ये कहा गया कि 8 फरवरी के बाद भी पाकिस्तान में बेचैनी मौजूद है। नरेंद्र मोदी है ना, वो मुसलमानों के खास तौर पे बड़े खिलाफ हैं और अच्छा। इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ उनके जो हालात है ना वो बेहतर इस वजह से नहीं हो सकते। आपने शायद कभी गौर नहीं किया जब इंडिया के इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, अभी इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंडिया के जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो तब बड़े खास तौर पे ये देखा जाता है कि आप देखते हैं कि सीज फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। आपका स्वागत है हमारी एक और नई रिएक्शन वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि पाकिस्तान के अंदर एक न्यूज़ को लेकर चर्चा की जा रही है और न्यूज़ सामने निकल कर ये आ रही है कि भारत के अंदर जो चुनाव चल रहे हैं और 4 जून को जो नतीजे आएंगे उसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी जी जो अभी हैं वो फिर से जीतते हैं और फिर से प्राइम मिनिस्टर अगर वो बनते हैं तो वो अपना पहला विजिट पाकिस्तान को करेंगे, तो इसी को लेकर पाकिस्तानी पब्लिक का रिएक्शन जो निकल कर आ रहा है वो देखने लायक है। तो वीडियो पूरी देखना, लाइक करना, शेयर करना, अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। 76 साल हो गए हैं, उस तरीके से कभी हमें ये सुनने में नहीं मिला, मतलब 1-2 महीने के लिए शायद सुनने को मिला हो लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए सुनने को नहीं मिला। रिलेशन बेहतर है, सबसे पहले तो ये बताइएगा यहाँ के पॉलिटिशियन नहीं रिलेशन बेहतर कर रहे, वहाँ के पॉलिटिशियन नहीं बेहतर कर रहे, कौन नहीं बेहतर कर रहा? फिर इंडिया के साथ जो रिलेशंस है ना वो आप पॉलिटिशियंस पे नहीं आप कर सकते, जो दो कौमी नजरिया या जिसे आप कह सकते हैं ना जो कायदे आज़म ने जिस पर काम की थी जो टू नेशन थ्योरी थी उसका बेसिक रीजन ये है कि वो हिंदुइज्म में जो है ना वो पीक पे चले जाते हैं मुसलमानों के खिलाफ। अच्छा। उसकी वजह से अगर आप कहें ना कि हम उनके साथ चल सकते हैं इंडिया के साथ तो वो बड़ा मुश्किल है। आप ये कह सकते हैं कि हमें उनके साथ एक अच्छे नेबर की तरह ट्रेड करनी चाहिए तो वो जरूर करनी चाहिए। तो ट्रेड में कौन पहल करेगा या कौन देखें, ट्रेड हमारी तरफ से बंद हुई ना इमरान खान साहब के दौर में। नहीं, ट्रेड हम दोनों जानिब से कर सकते हैं, वो उधर सिर्फ हमारे पॉलिटिशियन इमरान खान की तरफ से नहीं, उधर से भी बड़ी दफा जो है ना मामला जो नरेंद्र मोदी है ना वो मुसलमानों के खास तौर पे बड़े खिलाफ हैं और अच्छा। इंडिया के साथ पाकिस्तान के साथ उनके जो हालात है ना वो बेहतर इस वजह से नहीं हो सकते। आपने शायद कभी गौर नहीं किया जब इंडिया के इलेक्शन हो रहे होते हैं ना, अभी इंडिया के इलेक्शन हो रहे हैं, तो इंडिया के जब इलेक्शन हो रहे होते हैं तो तब बड़े खास तौर पे ये देखा जाता है कि आप देखते हैं कि सीज फायरिंग होनी शुरू हो जाती है। ठीक है, उनके भी पॉलिटिशियंस इस चीज को यूज करते हैं अपनी आवाम को बताने के लिए कि हम पाकिस्तान के खिलाफ हैं ताकि वो वोट ले सके। ये बड़ा बेसिक मोरा आप कह सकते हैं, बड़ा बेसिक पॉन आप कह सकते हैं। नहीं, पाकिस्तान का जिक्र हो रहा है लेकिन सीज फायर का उस तरीके से। अच्छा मुझे बताइएगा, हसन निसार साहब को डेफिनेटली आप जानते होंगे, अभी 2 दिन पहले उन्होंने एक स्टेटमेंट मतलब अपने प्रोग्राम में वो ये बोल रहे थे कि अगर जैसे अभी इंडिया में इलेक्शन हो रहे हैं, इलेक्शन के बाद नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं वो पहला विदर्ट कुछ जो उनसे हैं वो सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि पहला विजिट वो पाकिस्तान का करेंगे, आपको लगता है कि ये पॉसिबल है? वैसे तो पहले उन्होंने एक विजिट किया था 2014 में आई थिंक इसके राउंड अबाउट। नहीं, वैसे तो करतारपुर जब किया था तब सिख भी आए थे ना, वो भी तो आए थे, वो भी तो इंडिया से ही आए थे, उनका नवजोत सिंह सिद्धू उनका जो मिनिस्टर है वो भी पाकिस्तान आया था, तो इमरान खान के दौर में भी ये बड़ा अच्छा कदम उन्होंने उठाया था। तो मेरे ख्याल में ट्रेड के तौर पर अगर वो पंडित यहाँ पे आते हैं पाकिस्तान आते हैं, नहीं वो नरेंद्र मोदी का वो कह रहे हैं आएंगे, नरेंद्र मोदी आएंगे तो आना चाहिए, अच्छी बात है। हमें रिलेशंस कब तक देख, कोई भी मामला है ना वो जंग से हल नहीं होता, तो इन चीजों को बेहतर बनाने के लिए अच्छी बात है, हमें अपने जो रिलेशन है आपस में वो बेहतर करने चाहिए। ठीक है सर, आप क्या कहना चाहेंगे, जैसे अभी मैंने इनसे सवाल पूछा कि हसन निसार साहब से जब एक प्रोग्राम में उनके ही प्रोग्राम में सवाल पूछा गया कि भाई सियासी पंडित ये कह रहे हैं कि अगर इंडिया में इलेक्शन होने के बाद नरेंद्र मोदी जीतते हैं प्राइम मिनिस्टर बनते हैं तो पहला विजिट पाकिस्तान का करेंगे, और साथ ये भी हसन निसार साहब ने कहा कि अगर ऐसा होता है मुझे बड़ी खुशी होगी और अगर वो ऐसा करते हैं तो शायद वो इस जो सा पूरी सेंचुरी के बहुत बड़े सियासतदान बनेंगे और वो अपना तारीख में एक नाम लिखवाएंगे, नेल्सन मंडेला की जगह पे आ जाएंगे नरेंद्र मोदी। सबसे बड़ी बात है, पहले भी आप सबको भी पता होगा कि नरेंद्र मोदी पहले भी 2 दफा वज़ीर आज़म रह चुके हैं, मगर जब से नरेंद्र मोदी इंडिया का वज़ीर आज़म बन रहा है ना उसकी जानिब से पाकिस्तान की तरफ कोई भी ऐसा कोई पहला कदम बढ़ाने की कोशिश कभी भी नहीं की गई। वो आए मतलब अगर वो मैं बता देता हूँ ना कि पहले तो ऐसा कभी किया नहीं गया, अगर इधर से या पाकिस्तान की तरफ से या
कोशिश की गई है, मगर इसके बावजूद भी नरेंद्र मोदी ने अपनी आवाम में एक वर्गला के रखा, उनको एक उनका माइंड सेट ऐसा बना दिया हुआ है पाकिस्तान के खिलाफ कि उसकी तरफ से कभी ऐसे की उम्मीद नहीं है। अगर आप कहते हैं कि हसन निसार के प्रोग्राम उसने कहा है, तो मैं समझता हूँ कि एक बहुत अच्छा कदम होगा, ये पाकिस्तान के लिए बहुत एक अच्छी चीज़ है। हम साया मुल्क है और कौमी नजरिया शुरू से चलते आ रहे हैं, हमारी हर चीज़ उनके साथ चलती आ रही है, मगर अगर कोई पहल करता है तो वो एक मुल्क के लिए बहुत अच्छी चीज है, हमारे मुल्क के लिए। अच्छा, इस डेफिनेटली कोई भी कंट्री हो, चाहे हमारा नेबर कंट्री चाइना हो, आयरन फ्रेंड है, उसके साथ दोस्ती होनी चाहिए, ईरान हो उसके साथ भी रिलेशन बेहतर होने चाहिए, अफगानिस्तान के साथ भी होने चाहिए और इंडिया के साथ भी होने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ पे भी तो ये कंसेप्ट है ना कि मोदी का जो यार अगर है या जो इंडिया के साथ दोस्ती की बात करेगा वो ये तो आपके मुल्क में बस इतना सा आपको नजर आता है मोदी का जो यार है, ये नारे तो लगते हैं, मगर आपको अगर इंडिया की हालात देखे जाए तो वहाँ पे हमारे मुसलमानों के साथ जो जुलम किया जा रहा है या वो समझते हैं कि वो ठीक कर रहे हैं, यहाँ पे कोई ऐसा दिखा दें, ईसाई दिखा दें, कोई हिंदू दिखा दें, उनके साथ इस तरह की कोई कभी उनको उनकी इबादत में, वैसे आप जर्नलिस्ट हैं तो ये जड़ावाला का वाकया आपको पता होगा, काफी ज्यादा चर्च को नुकसान पहुंचाया गया, उनके पूरे के पूरे इलाके को, क्रिश्चियन कम्युनिटी को, मगर उसके ऊपर देखें कि आपको पता होगा कि हमारी हुकूमत की तरफ से सख्त एक्शन लिया गया, जितने मुल्जमान थे उन्हें कैफे करदार तक पहुंचाया गया, चीफ जस्टिस साहब मौके पर पहुंचे, हमारे पुलिस ने, प्राइम मिनिस्टर ने, सब ने नोटिस लिए, मगर वहाँ पे अगर आज भी हमारे मुसलमान नमाज पढ़ते हैं रोड के ऊपर तो उनको वहाँ पे ठुड्डे मारे जाते हैं, मस्जिद वहाँ पे हमारी जो उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की जाती है, हमेशा उनकी तरफ से कोई ना कोई ऐसी चीज निकली है जिससे हमारे मुसलमानों को बहुत तकलीफ पहुंची है। सिंध के हिंदुओं के हवाले से बात करेंगे और उसके अलावा फिर जर्नलिज्म के हवाले से बात करेंगे, लेकिन देखने वाले जरूर बताइएगा कि जो ये भाई बात कर रहे हैं, एज ए जर्नलिस्ट बात कर रहे हैं, एज ए पब्लिक बात कर रहे हैं, उसके अंदर आप कितना एग्री करते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं कि जो चाइना के मुस्लिम हैं, ये भाई ने जैसे या आप बोल रहे हैं कि इंडिया में मुसलमानों पर बहुत जुल्म ये सब चीजें, लेकिन इंडिया में हमें फिर भी कहीं बहुत सी एग्जाम्पल्स नजर आती है, जैसे उनके प्रेसिडेंट 3 या 4 आई थिंक वो मुस्लिम रहे हैं, उनकी बॉलीवुड इंडस्ट्री, बहुत सी चीजों में हमें एग्जाम्पल्स नजर आती है। या लेट्स सपोज हम यहाँ पे बैठ के मैं कहता हूँ, आप कहते हैं कि इंडिया में मुसलमानों पे जुल्म हो रहा है, वो ये वीडियो देखते हैं, वो आगे से रिप्लाई करते हैं और इतना लंबा कमेंट करते हैं, वो कहते हैं कि ये देखो ये इंडियन मुस्लिम है, ये इस पोस्ट पे है, ये देखो ये इंडियन मुस्लिम है, ये हमारी आर्मी में जनरल है, ये देखो ये इंडियन के लोग होते हैं ना भाई, वो अपनी सारी डिटेल देते हैं। हम क्या कोई 5 एग्जाम्पल्स दे दें कि यार देखो ये मिनोरिटीज के लिए, या ये 5 चाइनीज मुस्लिम में के हवाले से क्या कहेंगे आप? मुझे चाइनीज मुसलमान के बारे में कभी इस बारे में सर, आप चाइनीज मुस्लिम के बारे में क्या कहेंगे कि कैसी कंडीशन में है, बेहतर है या जैसे भी जो भी? पाक चाइना की अगर बात करें तो बहुत जबरदस्त इनकी दोस्ती है, एक दोस्ती की मिसाल है जो कहीं पे भी नहीं मिलती है। तो अगर चाइना मुस्लिम की बात करें, हाँ कि भाई जैसे आपने ये बोला ना इंडिया में मुसलमानों की ये हालत ऐसी चाइना के मुसलमान, देखे मुसलमान तो पूरी दुनिया में एक मुट्ठी की तरह होने चाहिए जैसे में बताया जाता है, तो फिर चाइना के ऐसा चाइना में ऐसा कुछ भी नहीं है कि चाइना में हमारे मुसलमानों के साथ कभी ऐसी कोई ज्यादती की गई हो, कोई ऐसा उनके साथ वहाँ पे कुछ जुल्म किया हो, जिस तरह के हिंदुस्तान में एक खुल के ऐसा मतलब उनके साथ जुल्म उस्तम किया जा रहे हैं, कश्मीर के साथ किया जा रहा है। लास्ट ईयर ह्यूमन राइट्स की रिपोर्ट आई थी जिसमें कहा गया था चाइना के मुस्लिम्स को इतनी आजादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी से जाके हज कर सकें, इतनी आजादी नहीं है कि वो अपनी मर्जी के डिजाइन की मस्जिद बना सकें, चाइनीज जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके मुताबिक मस्जिद वो बनाते हैं, मतलब इतनी ज्यादा उनके ऊपर रिस्ट्रिक्शन है। तो फिर इसका मतलब कि हिंदुस्तान बोलना चाहिए, अगर हमें इसके ऊपर आवाज़ उठानी चाहिए, क्योंकि जो दिखता है वो बिकता है। ठीक है दोस्तों, आई होप कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी, और इस वीडियो के अंदर आपने पाकिस्तानी पब्लिक का जो रिएक्शन देखा है और इनका जिस प्रकार का माइंड सेट है ना, मैं एक बात जरूर कहूँगा कि भारत को ना किसी भी प्रकार का रिश्ता जो है ना ऐसे माइंड सेट के साथ में रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप ट्रेड भी करते हो, बिजनेस भी करते हो, अगर आप फ्रेंडशिप भी करते हो, कुछ भी करते हो, तो एक होता है ना कि माइंडसेट तो होना चाहिए उसको लेकर। जिस प्रकार का इनका माइंडसेट बना दिया गया है पाकिस्तानियों का, 99% पाकिस्तानी ऐसे ही माइंडसेट के हैं, और इनके साथ में किसी भी प्रकार की ना तो ट्रेड संभव है, ना किसी भी प्रकार का अच्छा रिलेशन संभव है। जैसा कि वीडियो के अंदर आपने सुना, यहाँ पर भारत को लेकर तो इनको इनकी मीडिया के द्वारा जो इनको झूठ बताया जाता है, तो खुलकर बात करते हो, जैसे ही अगर कोई रिपोर्टर चाइना का नाम लेता है ना, तो इनकी बोलती बंद हो जाती है। पता है इनको सब होता है, लेकिन दोगले लोग हैं। जब कोई दोगला होता है ना, वो फिर इसी प्रकार की बातें करता है। जब इनको चाइना की बात की जाती है कि चाइना क्या कर रहा है उइगर मुस्लिम के साथ, तो इनका जवाब नहीं बनता है, जवाब देते ही नहीं है ये, क्योंकि इनको पता है कि चाइना के खिलाफ बोलेंगे तो इनकी आर्मी जो है ना, इनको इनके इन्हीं के घर में दफना देगी। तो चाइना के खिलाफ तो बोलते नहीं है। भारत इनको किसी भी प्रकार का जवाब देता नहीं है, क्योंकि भारत एक
डेमोक्रेसी है, और डेमोक्रेसी में आपको जैसा पता ही है कि अगर कुछ भी होता है, छोटी छोटी घटनाएं भी होती है तो वो न्यूज़ में आती हैं, पूरी दुनिया के अंदर जाती है, बात होती है, इसी को डेमोक्रेसी कहते हैं। चाइना के अंदर जो होता है वो मुश्किल से वो खबरें बाहर आती हैं और आती भी हैं, पूरी दुनिया में बात होती है, लेकिन पाकिस्तान की हिम्मत नहीं है, पाकिस्तानियों की हिम्मत नहीं है कि वो इसके खिलाफ बात कर सके। तो ऐसा ही इनका माइंड सेट है। और इसके साथ में किसी भी प्रकार की भारत को ट्रेड करने की या इनसे अच्छा रिश्ता बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। बाकी आपने वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।